जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट फैसल न्याजी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सरेकी सकाफत मीडिया। आज नौ मुहर्रमुल हराम है, कुछ चीज़ें ये स्थान की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यानी कि लोग जो हैं अपने प्यारों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने जो बहन भाइयों की कब्रों पर, अपने प्यारों की कब्रों पर किस तरह जो है वो मतलब कि ये मतलब कोई दाल वगैरह डालने आता है, कोई किसके लिए आता है, कोई क्या चीज़ लेकर आता है। तो आइए अब हम चलते हैं कब्रिस्तान की तरफ। रास्ते पर एक दुकान से दाल माश खरीदी ताकि कब्रों पर जो है वो दाल माश कुछ डाल सकें। कब्रिस्तान पहुंचते ही सबसे पहले मैंने पूरे कब्रिस्तान का फोटेज लिया ताकि पूरे कब्रिस्तान को इस फोटेज में दिखाया जा सके। मोमबत्तियां लगाने और दाल माश डालने के बाद हम तीनों ने सूरत फातिहा पढ़ी। जी तो हम इस वक्त कब्रों से होकर एक दरबार की तरफ आए हैं, तो उस दरबार का नाम क्या बताया आपने? अब्दुल समद शाह हमदानी। तो इस दरबार में आए हैं तो वहाँ पे जाके सलाम करते हैं। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह मुहम्मद, या रसूल अल्लाह मुहम्मद, या हबीब अल्लाह मुहम्मद, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। जज्बा के नाज़रीन तो कब्रिस्तान में हम आए थे, तकरीबन एक घंटे के बाद हमने सारा कुछ वो ख़त्म कर लिए, वहाँ पे जो हमने सूरत फातिहा पढ़ी और दरबार भी गए। तो अब मैं उस वक्त अब तो मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान की दूसरी तरफ मैं आ गया हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है। शायद आपको जो है मेरी कवरेज दिखा सके, उस तरफ देख के हम इतना ज़्यादा पानी, क्योंकि इसके साथ साथ जो है वो दरिया है ना, तो ये तारीखी जो हमारा है कब्रिस्तान है। तो वहाँ पे मैंने बहुत पुरानी कब्रें देखी जो तकरीबन आज से तकरीबन 50-60 साल जो वो पुरानी मैंने कब्रें देखी। अब मुझे परफेक्ट इसकी डेट का नहीं पता कि इसकी डेट क्या है, कब से यहाँ से कब से है, लेकिन इसमें जो मैंने जो कब्रें देखी वो बहुत पुरानी कब्रें थी। ये देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा इधर पानी आया हुआ है। यार कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने प्यारों की कब्रों पर आए हुए हैं तो वो जो है मिट्टी डाल रहे हैं ताकि वो जगह जो है थोड़ी ऊंची हो जाए, और क्योंकि बारिश जब आती है तो वहाँ पे जो है पानी सारा इकट्ठा हो जाता है और सारा वो पानी जो होता है कब्रों में चला जाता है। ये देखें ये इनके लिए जो है वो मिट्टी डाल रहे हैं, ये वहाँ से ना वहाँ से उठा के यहाँ लेके आ रहे हैं। जी तो हम दरबार से वापस होकर अब जा रहे हैं घर।